ये क्या कर रहा है? गांधी भाई, अरे सुनो। अरे गांधी भाई, क्या कर रहे हो? कहाँ बे? दिखाई नहीं पड़ रहा, योगा कर रहे हैं। क्या बात है गांधी भाई, बॉडी तो बड़ी मस्त है। क्या मालूम है तुम्हें यार, ऐसे ही थोड़ी ना बॉडी बनाई है हमने। मसल देखो है? बहुत मेहनत की है, योगा किए हैं, मेहनत से 5 साल घिसे हैं, डोला दे तब जाके ये बॉडी बनी है हमार, समझे हो? क्या यार, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है गांधी? हैं? आपके जैसे बॉडी सॉडी बनानी हो तो क्या करना होगा? इनका देखो। अबे यार, 2 दिन हुआ है तुमका मिले और तुमको हम फ्री में सब सिखा दें? खाने का काम है का? गांधी भाई, कॉलेज चलना है या नहीं? दिमाग खराब कर दिया बे, इसको समझाओ यार। कॉलेज वाले हमका कुछ नहीं जाना, चलो। दिमाग खराब कर दिया बे। जा रहे हैं गांधी। हमें गांधी ठीक ही कहा था, बड़ा वकील बनना है हमका तो कॉलेज तो जाइन पड़ी। चलो चलते हैं। बदतमीजी की, टीचर क्लास में आई है और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, मस्ती कर रहे हो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। गांधी 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 गांधी, उठना गांधी। अबे देख तो, मैडम आ गई। गांधी उठना, मैडम आ गई। गांधी उठ। व्हाट वाज दैट? Get up. Sorry, ma'am. Sit down. Thank you. And you? Gandhi? Ji, madam. Sone aate ho college mein? Nahi. Main yahan par bahut bada law and banunga. Silence. Nahi, nahi. Mera matlab hai ki main bahut bada lawyer banunga. Shut up. Kabhi tum logo ne apne career ke bare mein socha hai? एक तुम, एक वो 3 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनकी बदौलत हमारे कॉलेज का नाम रोशन है। देखना, अभी भी कहीं ना कहीं वो तीनों बैठकर पढ़ ही रहे होंगे। हाँ, हमका मालूम है कि वो तीनों कहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट? ये आपका फूल? That's not mine. अगर नहीं है तो क्या हुआ? इसे आप अपने बालों में लगा लीजिए, फूल की शोभा बढ़ जाएगी। Oh shut up you idiot! ओए होए! Are you blind? दिखता नहीं है? दिखता है तो नहीं है, अंधा जो हूँ, आप तो देख सकती हो ना? Oh, I'm so sorry. आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? I'm so sorry. आप कॉलेज में क्या कर रहे हो? लाइब्रेरी जा रहा था। आप और पढ़ाई? जी हाँ, वो कहते हैं ना, पढ़ने के लिए आँखों की नहीं मन की आँखों की जरूरत होती है। Yes. मैं तो लाइब्रेरी जा रहा था पढ़ने के लिए, अगर मुझे कोई छोड़ देता तो बहुत अच्छा होता। या श्योर, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अगर आप इतना बोल ही रही हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। या श्योर। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। या आप कौन सी क्लास में हैं? मैं पढ़ाई के लिए क्लास की जरूरत नहीं है, है क्या? आप सही कह रहे हो।
यू इडियट, ये कोई खेलने की जगह है, ये कॉलेज है। तो रोड पे जाके खेलूं ट्रैफिक में, ताकि कोई गाड़ी आए और मुझे ठोक दे और मैं ऊपर चला जाऊं। खेल ही तो रहा हूं मैडम, कौन सा पाप कर रहा हूं। बदतमीज, तुम्हें तो बोलने की भी तमीज नहीं है, इससे बड़ी अंधी तो तुम हो। अंधा और ये रावण की तरह 20 आंखें लेके घूमता है, ये कॉलेज का सबसे बड़ा ठरकी है ये। जब भी कोई हसीन लड़की कॉलेज में आती है ना, तो काबिल का ऋतिक रोशन बन के ना पटाने निकल जाता है। वो बात अलग है कि पटती नहीं। ओ, वो यामी गौतम थी जो अंधी थी, ऋतिक ने पटा ली, लेकिन ये अंधी नहीं है और ना ही तू। What? ये अरे क्या यार, कितना मजा आ रहा था, तुमने सारे मूड की मार। I'm sorry. You idiot. थरकी कही का। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेलकम। क्या यार, तुझे भी अभी आना था। कोई बात नहीं, होता है, चला जा खाने का और भूल जाने। खराब कर दिया, मस्त रहे। आपने कहीं अर्जुन को देखा क्या? हाँ, हमका सब मालूम है कहाँ है ये लोग। पक्का पता होगा कहाँ पे है। अरे चलो ना, आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे जल्दी आओ, ये देखो ये देखो, ये पीएचडी कर रहे हैं ये लोग। क्या बताऊं यार, जब मैंने उसके नर्म कोमल मुलायम हाथों को छुआ तो दिल में खुदगुदी सी हो गई, मानो मैं तो एक अलग ही दुनिया में चला गया। जाने दो इनको, लेट्स फॉरगेट इट। जाने कैसे दे, पागल है क्या? जा सुधार दो इन तीनों को। चलो, थैंक यू गांधी। तू दोस्त है या दुश्मन? तो क्या हुआ भाई, मैं भी तो खेल ही रहा था, खेलते खेलते आया टकराया, तू गिर गया और तेरी पोल खुल गई और लड़की मुझसे इंप्रेस हो गई। भाई हीरोगिरी तो ऐसी होती है। क्यों भाई रवि, ये लो। क्या हुआ, सदमे में है? सदमा तो होगा ना यार, इसने तो उसे जाके छू लिया और तूने भी कोई कम मजे नहीं लिए। मेरा तो उसने फूल तक एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे तो दिल के अरमान दिल में रह गए ना यार। दिल में नहीं होते। दिल के अरे छोड़ ना यार, फिर कभी मौका मिलेगा तो कर लेना अपने दिल के अरमान पूरे। अच्छा तो ये अरमान थे तुम लोगों के जो हमारे पीठ के पीछे पूरे किए जा रहे हैं। देखो प्रश्न, आज के बाद तो मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे मेरी बात तो सुन ना मोटू। और तुम छोड़ो, तुमने ज्यादा शरीफ नहीं बने। तुम्हारी सारी शराफत मैंने अपनी आंखों से देख ली, तुम मुझसे जिंदगी में कभी बात मत करना। गो टू हेल। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी यार। अरे सुनो तो सही यार, आई हेट यू। अरे एक मिनट रुको ना, मेरी बात तो सुनो यार। जाने दे, जाने दो यार, चलो जाने दो यार। क्या करें, गाना गाएं, बनता तो है यार। लेट्स स्टार्ट। Hildul ke maach lehi
आघुल के सांस ले, हिलजुल के नाच ले, आखुल के सांस ले, मिलजुल के आ इधर नाचे हम बेफिकर। पागल हो जा मस्ती कर, पागल हो जा मस्ती कर, पागल हो जा मस्ती कर, पागल हो जा मस्ती कर। चश्मा किधर? उधर। लाएगा कौन? मैं। भैया जी बेइज्जती हो गई हमारी। लोग देखते किसको हैं? नेता को। दूसरा? अभिनेता को। एम सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। ये देखो रोज आ रही है। क्या लग रहा है? वाह क्या सच में यार, आओ क्या लग रहे हो यार, क्या स्टाइल है। देखो चश्मा टोपी। अरे यार वो कौन सा गाना है यार, मुझे लग रहा है वो रास बिहारी के लिए बना है। हाँ काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा। अरे नहीं 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 नहीं, मिस्टेक हो गया शायद, थोड़ा कुछ और है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। राइट 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 राइट। हाँ वैसे एक बात है, यू लुक लाइक अ स्टार। यस ऑफ कोर्स, शाहरुख, सलमान, अमिताभ, ऋतिक, अजय देवगन, सब मेरे अंदर है। क्यूट है। जब दिल करता है गेटअप ले लेता हूँ, क्योंकि आई एम सुपरस्टार। अरे यार राज भाई, जब तुम डांस करते हो ना पूरे माइकल जैक्सन लगते हो। अरे गलती हो गई थोड़ी, माइकल जैक्सन नहीं, माइकल जैकिसन। और हाँ तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो एकदम कमाल है, मतलब फिदा हूँ मैं तुम पे, तुम्हारी पर्सनालिटी पे। भैया मैं बोलता हूँ कि बातें बंद करो, तारीफें बहुत हो चुकी, पार्टी ले लो, पार्टी बनती है। बहुत भूख लगी राज बिहारी, पार्टी करनी पड़ेगी। चलो 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 राज बिहारी, कैंटीन इधर है। चलो चलो बड़े बड़े। हाँ लमी हम्म
पेटर, जिसको जो जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर। पैसा बहुत है। हाँ बोलो, क्या लोगे सब लोग? यार भूख तो है नहीं ज्यादा, बस 20-30 अंडे और ज्यादा नहीं 2-2.5 लीटर दूध। लिख लिख भाई लिख, तुम बताओ। मेरे लिए एक मिल्कशेक, एक बर्गर। परहेज कर ले, मोटी होती जा रही है। नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ सुन। नहीं। तो क्या चाहिए? बर्गर। हो गया? ठीक है सर। चलो। और जल्दी आना। बैठ जा। भैया रास बिहारी, वर्षा के साथ बैठे मुझे कुछ रास नहीं आ रहे हो। थोड़ा सा खिसक लो। कोई बात नहीं। यार बैठा यार। ये लीजिए आपका ऑर्डर। रवि के बाकी? हो, रवि के थोड़े से बचे। जी। चिल्ड है? अरे ये क्या है? लस्सी चाहिए? अरे कहाँ रह गया? ये लो। तो खड़ो, कितना खाओगे? अंडे पूरे ना, गिन लो। रवि के अंडे। और ये पार्टी तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो भाई, खाना पीना बहुत हो गया, ठीक है, क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं। चलो। राज बिहारी, धन्यवाद, मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच, सो मच। थैंक यू। चलो भाई, चलो चलो यार, फिर मिलते हैं। चलो भाई, बाय बाय। आज तो मजा ही आ गया। क्या करूं, किसको मुर्गा बनाऊं भाई? क्या हालचाल है? लो आ गया। आओ गांधी, बैठो बैठो, तुम भी कुछ खा पी लो। वेटर। ए भाई, हम कुछ खाएंगे नहीं, बस चाय पियेंगे ना। कोई बात नहीं है, तुम चाय पी लो, पे मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, देखो राज बिहारी भाई, रोज रोज ये जो पैसा देते हो ना तुम नाश्ते का चाय का, ये हमका बहुत खराब लगा। और एक बात सुन लो, आज पैसा हम ही दे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सोच लो। अरे सोच लिया। पाजी, बिल ये देगा? ओए सारा। हाँ सारा दे देंगे। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ बिंदास जाओ। आजी। हाँ जी। बिल भेज दो। ये 28,700 का बिल है, लेकिन इतना? ओए तेनू की समझ, एक दिन का बिल है, पूरे 3 महीने का बिल है। क्या बात करते हैं, 3 महीने का? मैंने तो आज का बोला है देने के लिए। ओए तूने ही तो बोला था मैं सब दूंगा बिल। हाँ हाँ बोला था सब दूंगा, लेकिन इतना? 28,700। नहीं, मैं तो आज का दूंगा। तू दिंदा है कि नहीं दिंदा? अरे पाजी नाराज काहे हो रहा है? दिंदा है कि नहीं? हाँ दे देंगे, दे देंगे। डेबिट कार्ड चलेगा? चलेगा। लूज मोशन हो रहा है क्या भाई? गांधी क्या हुआ यार, इतना उदास क्यों है तू? अरे यार लूज मोशन तो एक बार ठीक हो जाता है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ?
मेरे बैंक का मिनिमम बैलेंस ही गायब हो गया। क्या? गांधी लूट गया गांधीगिरी के चक्कर में। तुम जा यार, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। देखा, मजा आ गया। अरे सुनो, ये इतनी मोटी है ना, इतनी मोटी, अभी ये इतनी मोटी होगी। हेलो हेलो हेलो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। क्या? मेरी शादी फिक्स हो गई है। पार्टी तो दे रहे हो, लेकिन कौन सी पार्टी है? डाई वाली पार्टी है या वेट वाली? नदियां बहा दूंगा, नदियां। शाबाश तो, कम ऑन, आज पार्टी है। Good, good, good.
जाने मन करो तो हम घर छोड़ दें। गाइस हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो फंस जाएंगे। कौन है वहाँ? कौन है? लगता कोई है। निकलो यहाँ से। भागो भागो। रुको रुको। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ तुमको? बोलो बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो बोलो। क्या हो गया? अभी तो मूड बना है, रंग जमेगा, फुल नाइट पार्टी है यार, एंजॉय। अबे तू पागल हो गया यार, हम वहाँ मुसीबत में फंसे और क्या बैठ के दारू पी रहा है? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? मजा हो गया यार, तू चल। अर्जुन चलो ना। मर्डर? किसका? अबे वही लड़की जिसके साथ अपन डांस कर रहे थे ना, उसका मर्डर हो गया है। तू निकल यहाँ से, निकल से, मुझको डांटे, जल्दी चल यार। चलो पहले चलो। अरे वही लड़की जिसके साथ हम डांस कर रहे थे, तू निकल, भाग यहाँ से। ठीक करो उसको। रवि मेरी मेरी बात तो सुनो। जब तक गाना बजत रही ना, तब तक उसका पैर चलत रहेगा। ये क्या है? एटीएम। एटीएम? ये क्या है? एनी टाइम म्यूजिक। व्हाट? मतलब इस एटीएम का बटन जैसे ही आप दबाओगे ना, तब इसका डांस शुरू हो जाएगा, यानी कि चालू हो जाएगा। पढ़ने आते हो या डांस करने आते हो? मैडम, पढ़ाई के साथ साथ डांस भी तो जरूरी है। Shut up and get out from the class. Okay, no problem. Ta-dan. Sit down. Let's start with constitution today, right?
यार प्लीज चुप हो जाना, चुप हो जा, चुप हो जाना। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? हमें बहुत डर लग रहा है, अगर इस खून के बारे में किसी को भी पता लग गया ना तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर मेरे मॉमडैड को पता लग गया ना। अरे तुम बस करो यार, जो होना था वो हो गया, अब ये रोना धोना बंद करो और बेकार की टेंशन मत क्रिएट करो। मैंने सब पता कर लिया है, उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है। तुम टेंशन मत लो, क्लास में चलो। टेंशन? टेंशन कैसे ना ले? तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है। क्या किया है अंजलि? किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे जब भरा मित्र ने बोल दिया है टेंशन नहीं लेने का है, मतलब नहीं लेने का है क्या? सुना भी ज्यादा सोचने का नहीं, इधर क्लास में चलने का है, समझा? चलो अब मोटू, इतना रोगी तो बाढ़ आ जाएगी। स्टूडेंट है और मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ आपको पढ़ाने आई हूँ। आज मुझे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि कॉलेज में एनुअल रेस कंपटीशन है, मैं चाहती हूँ कि आप सब उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाएं। कोई भी स्टूडेंट जीतेगा मुझे बहुत खुशी होगी। ऑल द बेस्ट। तुम तो बॉडी बिल्डर हो, तुम्हें तो जीतना चाहिए। हाँ। जीतोगे ना मेरे लिए? बिल्कुल, जब आपने कहा है तो जीतूंगा ही। देखते हैं। अर्जुन और रवि तो बॉडी बिल्डर है, इस कॉलेज के हीरो तुम हो मयंक, तुम। मैं चाहती हूँ कि ये रेस तुम जीतो। जीतोगे ना? यस, मैं ही जीतूंगा ये रेस, देखना तुम। मैं ही जीतूंगा। ये रवि और मयंक तुम्हारे आगे सब फेल है, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। ये रेस सिर्फ तुम जीतोगे। जीतोगे ना? नहीं जीतूंगा।
और भाई कैसी चल रही है प्रैक्टिस? बढ़िया। ओ तू अपनी बता। कुछ भी कर लो दोस्त, जीतूंगा तो मैं ही। वो तो वक्त ही बताएगा। गुड मॉर्निंग भाइयों। गुड मॉर्निंग। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज का दिन तो हम दोनों के लिए भी बहुत खास है। मतलब आज हम तीनों दोस्तों में कंपटीशन है, जिसमें दम होगा वही जीतेगा, और जो जीता वही सिकंदर, और जो हारा वो अंडरस्टूड है। चलो इस साल के हमारे इस रेस कंपटीशन में हमारे कॉलेज के कई स्टूडेंट्स ने भाग लिया है और कई क्या तीन महारथियों ने भाग लिया है। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, कॉलेज में तीन ही महारथी हैं, तीन ही चेहरे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि इन तीन महारथियों को देखकर सभी मंदून गीली हो गई है। और ये क्या रवि की बॉडी आज डबल हो गई है। अर्जुन अपनी पर्सनालिटी को छुपाते हुए लगता है इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है। जीतने के लिए वैसे भी कोई कुछ भी कर सकता है। और मैं अपनी फुंकार निकालते हुए कह रहे हैं कि आज हम दोस्त नहीं हैं। और ये क्या आसमान गरजने लगा, जमीन हिलने लगी, कॉलेज के लोग एक नए चेहरे को देख रहे हैं। अबे गांधी तू निकल ले, ये बच्चों का खेल नहीं है बेटा। मिल्खा की फीलिंग मत ले, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। ये तो पता ही चल जाएगा कि कौन मिलका है कौन ढिलका। जीत तो मेरी ही, जीतूंगा तो मैं ही। इसको बोलो रेस से हट जाए और मरने से बच जाए। रेस शुरू होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। सिंह भी साथ दौड़ेगा। रेस शुरू होने ही वाली है, सब लोग ध्यान से देखते रहिए क्या होता है इस रेस में। और टिंगू का मुंह खुल गया है रेस का मैदान देखकर, रेस की लंबाई देखकर, और चारों ने दौड़ना शुरू किया है एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए। और देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, सही होगा या नहीं, रेस में दौड़ेगा या नहीं। भाई पानी खाते रहिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाए। एम्बुलेंस का इंतजार है हमें, अगर एम्बुलेंस आई तो वो ऊपर जाएगा। और नहीं क्या हुआ यार, क्या हुआ? बोला था ना शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। भाई मैं खत्म नहीं हुआ, हमार पैसा सब कैंटीन में ख़त्म होएगा। हम अगर कॉलेज का फीस न जमा करेंगे तो हमका निकाल देंगे। अरे बॉडी बिल्डर रवि हमका जिता दे, का दूध नहीं बेचना। अर्जुन भाई हमारी मदद करो, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमका बचा लियो, प्लीज़ बचा लियो। हम बहुत गरीब आदमी हो, हमका बहुत बड़ा वकील बनना है, हमका कॉलेज के बाहर नहीं जाना, हमका बचाई ले, बचाई ले, बचाई ले। ठीक है, तू जीतेगा ये रेस, तू ही जीतेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो तू टेंशन मत लेगा, ये रेस तू ही जीतेगा। देखते हैं क्या होता है। यस गांधी, भारतीयों ने सुखा नुकसान बना दी है। और ये क्या देख रहा हूँ, एक मिनट भाई, मेरा चश्मा दे रहा है। भिखारियों की तरह मांगता है कोई। और ये क्या चश्मा मांग रहा था, अभी तो मैंने जाके चक्कर लगता है। और चश्मा पोस्ट शुरू किया, और आप लोग देखते रहिए, लगता है ये रेस पूरी होगी आज जोर से भरपूर। ये क्या बोल रहा है, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये गांधी का थल्लू नाटक कर रहा था, तीनों को काट दिया इसने। चल बेवकूफ बनाया हमें। अबे खिलाओ अंगूर खिलाओ, क्या कर रहे?
गानी भाई आपने तो कमाल कर दिया। अबे वो हमार बाएं हाथ का खेल रहा मैं। वो तीनों अपने आप का हीरो समझत रहे हैं। उनकी सारी हीरो पंती रगड़ दिया आपने तो। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। उनका जो बैंड बजा के रख दिया पूरा। बहुत है बढ़िया गांधी भाई। अबे तुम ऊपर कहाँ आ रहे हो? आराम से दबाओ। अबे धीरे से, धीरे से। तो हम कहाँ कहाँ रहे हैं? हाँ भैया, आप कह रहे थे हीरो बन गए। हाँ, हीरो पंती। हमें चश्मा निकालो, साफ करो। जी। हीरो पंती, वो कहाँ रहा? वो का नाम है मिश्राइन। कहाँ रहे? कि तीन स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, हैं? कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। हमें ये बताओ, तीन साल से हम एक क्लास में फेल हो रहे हैं, तो लाला हमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना? सही कहते हैं सही कहते हैं। के मालूम है ना ना? और अर्जुनवा? कौन अर्जुनवा भैया जी? अबे तुम तो और अरे वो पुनितवा के लड़कवा। अच्छा, और का कहत रहा मालूम है? कहत रहे, कहत रहा कि शुरू होए से पहले खत्म हो जाओगे। फिर का बे? फिर का हम जाऊं ना उस तीनों के जो है भूसे छुड़ा दिया रगड़ रगड़ के। समझे हो? शुरू होए से पहले वो तीनों के हम खत्म कर दिया खुदा लाला। अबे क्या कर रहे हो? चश्मा लगाओ, साफ हुआ? अबे ठीक से लगाई, क्या लगा दिए? हाँ गांधी, कुछ खाने पीने का इंतजाम है या नहीं? अरे जीत के आए हैं आप। अबे काहे टेंशन लेते हो बे, बहुत पैसा है हमारे पास। जौन मर्जी हो खाओ पियो ऐश करो, दारू उरू पीना हो वो भी पी लेना लाले। हम है ना तुम्हारे लोग का याद करबो कि कौन नवाब से पाला पड़ा रहा मैं। तुम ना क्या चाहिए? स्कूल में बहुत अच्छी लगी। दे दो, हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। क्या है हजरत के थकते हैं? रहने दो, तुम जाके आओ। छोड़ो फिर। और भाई लोग, खाना वाना हो गया सबका? हाँ खाना तो हो गया, बस सोने जा रहे थे। अरे सोते तो रोज ही हो यार, कॉलेज में दो दिन की छुट्टी है मालूम। प्लान क्या है? हाँ प्लान, नो प्लान भाई। मैंने तो सोच लिया पहले ही, इन दो दिन की छुट्टियों में मैं तो आराम से घर पे बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और टांग भला के सोऊंगा भाई। अबे यार तू नहीं सुधरेगा कुंभकर्ण की औलाद, इन दो दिनों में तो कुछ नया कर, हमेशा सोने की बात करता है। यार अर्जुन ये तो पागल है, तू ही बता यार क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये दो दिन की छुट्टी दो साल की तरह सोचता भी है, मतलब घूमने का घूमना हो जाए, चलो चलते हैं, मस्ती मस्ती हो जाए और रोमांस का रोमांस। अरे यार ये कहाँ रह गया? वो कहाँ है? नहीं आया। तुम अकेली? अरे उसको फोन कर, ट्राई कर रही हूँ मैं, लग ही नहीं रहा, हाथ दे। तू फोन कर। हाँ यार कॉल कर उसे, वो हमेशा ऐसे ही करता है। यार इसका फोन तो कभी लगता ही नहीं है, अब क्या करें? हाँ जस्ट कॉल एक मिनट। हाँ देखती हूँ करके, देखना यार एक बार और कॉल करके ट्राई करते हैं। फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है अब। क्या चल, जाने दे यार, छोड़ दो उसे। तुम बैठो, तुम लोग चलो हमारे साथ और हम लोग चलते हैं। चलो चलो चलो, तुम ये बैठो, तुम लोग जाओ ना यार, कम ऑन चलो, जाने दो उसे यार, चलो कम ऑन, हमेशा का ही नाटक है, लेट्स गो। तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया, तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया, सितारों को फलक से तोड़ के बिखरा दिया, तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया, तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया।
है मोहब्बत की लिखावट है तेरी जो मुस्कुराहट है नजाकत में शरारत है तेरी मासूमियत ने चांद को शर्मा दिया तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया तेरा चेहरा खुदा ने नूर से पैदा किया वैसा बिल्कुल भी नहीं है मैं बोल रही हूँ छोड़ो इन्हें यहाँ से चलते हैं एग्जैक्टली चलो हटो ये कभी नहीं सुधरने वाले सुनो मोटू अरे अरे यार फट गया बम क्या करें अब हम चलें चलो फिर एक्सक्यूज मी मैम वेयर आर यू मैम खड़े क्यों बैठो ना थैंक यू क्या लोगे तुम ठंडा या गरम नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मैम के पास आए और कुछ नहीं, नहीं लोगे फिर मत कहना कि मैम ने कुछ पूछा नहीं नहीं मैम इट्स ओके व्हाई यू कॉल मी मैम कुछ काम था क्या ओ, तो अब जब मुझे काम होगा तभी मैं अपने रवि को याद करूंगी मैं ऐसे तुम्हें नहीं बुला नहीं, सकती नहीं मैम ऐसी तो कोई बात नहीं फिर आप बस हुक्म कीजिए आपके एक इशारे पर दौड़ा चलाऊंगा वो क्या है ना उस दिन जब कॉलेज में तुमने मुझे वो सलाह दी ना एक्टिंग करने वाली तो वो बात ना मेरे दिलो दिमाग में घर कर गई तो मैंने गौर किया कि मुझे मुझे एक्टिंग करनी चाहिए अब जब भी मैं अपना फेस आईने में देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हीरोइन बनना चाहिए मैं हीरोइन बन सकती हूँ हाँ बिल्कुल पर मेरी एक शर्त है क्या शर्त मैम मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़का मेरी फिल्म में हो मेरा हीरो वो तुम हो मैं ये क्या कर रही है मैम तुम क्यों तुमने तो कहा था ना कि मेरे हर हुक्म की तामील करोगे अब क्या हुआ अब मेरा हुक्म नहीं मानोगे मानूंगा मेरे हीरो हाँ सॉरी सॉरी मैं गलत टाइम पे आ गया इट्स ओके मैं बाद में आता हूँ आओ ना बैठो थैंक यू मैम मैम आपने बुलाया था हाँ वो क्लासरूम में तुमने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे वो आर यू सिंगल वाला क्वेश्चन आई
आर यू सिंगल वाला क्वेश्चन. बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ना वहां, तो जवाब ही नहीं दे पाई. आई एम सिंगल. मैम आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा जवाब दे रही हूँ. प्लीज, आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. मैम ये ठीक नहीं है, प्लीज. मैं समझी, अभी भी उसी के ख्यालों में खोए हो ना. हाँ. तुम कभी भी नहीं सुधर सकते. हाँ, हाँ, अरे सुनो सुनो वर्षा, जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, इसने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है. पहले तो ये मयंक और अर्जुन के पीछे ही थी, लेकिन अब ये रवि के पीछे भी पड़ गई है. सीरियसली, वी नीड टू टॉक टू हर नाउ. अब तो सीरियसली हद ही हो गई. Yes. अगर अब हमने जाकर उससे बात नहीं की ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे बॉयफ्रेंड हमें छोड़कर उसके पास चले जाएंगे. तो चले और उससे बात करो. लेट्स गो. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे बात करने आए हैं मैडम जी. एक सेकंड, तुम इतना रूडली क्यों बात कर रही हो मुझसे? हाँ, तुम हो ही सीला है कि तुमसे रूडली बात की जाए. एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट, यू डोंट नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो. एक तो तुमने हमारे बॉयफ्रेंड को हमसे छीन लिया, और अब ये नाटक करके दिखा रही हो. हाँ, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड छीन लिए? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सोच रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो? मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स पे डोरे डालूंगी? हमें अच्छे से पता है तुम क्या कर रही हो. शट अप, यू शट अप. एक तो चोरी और ऊपर से सिनेजोरी. सीरियसली तुम पागल हो गए? अगर तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स छीन रही हूं, उन पर डोरे डाल रही हूं, देन जस्ट गेट लॉस्ट. आई डोंट टॉक. यार चलो यहां से, जस्ट गेट लॉस्ट. एग्जैक्टली, कम ऑन, लॉस्ट. जाने दे. ये देखना, मैंने तो कर लिया. इसमें देख, इसमें भी ये लिखा. ओह गॉड. अच्छा दिखा दिखा. अच्छा, तू देख पहले. ओह हाँ, देख देख, ये देख, ये देख ये वाला. अच्छा, और ये देख, ये क्या है? हाँ, तो इसमें भी तो ये. यस, लेकिन ये देख, उसमें दिखा, उसमें क्या? हेलो. हाँ, कहाँ पर हो? मैं तो लाइब्रेरी में हूँ. टेल मी, कहाँ पे हो तुम? आज कॉलेज क्यों नहीं आए? अरे वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो. हम दोनों मूवी देखने चल रहे हैं, क्योंकि आज मेरा मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है. वाह. पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या? अंजलि और वर्षा भी मेरे साथ में है. अगर उनको नहीं बुलाया तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा. मैंने बोल दिया हम लोग जा रहे हैं, इट मींस जा रहे हैं. चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ. चलो बाय. ओके, बाय बाय.
आज तो रोमांस से एकदम खूब चेंज होगा। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मतलब? मतलब यही कि तुम कितने बदल गए हो अर्जुन। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। कॉल करती हूँ, कॉल नहीं उठाते। मैसेज करती हूँ, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देते हो। और पहले जब मैं एक कॉल करती थी दौड़े चले आते थे, और अब कितने बदल से गए हो ना अर्जुन तुम। ऐसा मैं तुम्हारे साथ करूंगी कैसा लगेगा तुमको? बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। बिजी हो गया था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। चलो ठीक, नेक्स्ट टाइम जब भी करोगी तब उठाऊंगा, नहीं उठाया ना तब कहना। प्रॉमिस? पक्का। पक्का वाला प्रॉमिस ना? कच्चा वाला। आई एम सॉरी मोटू। मैं मोटी नहीं हूँ, कितनी बार बोला। हाँ, बहुत ज्यादा मोटी। अर्जुन मैं आता हूँ। अर्जुन, अर्जुन सुनो ना, अर्जुन रुक जाओ। इसको क्या हो गया? इधर देखो ना। तुम रहने दो ना, मैं देख तो रहा हूँ यार। इसको भी अभी खराब होना था। ठीक है ना, चलता है। कहाँ है यार तू? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। कुछ नहीं है, मैं वर्षा के साथ खड़ा था और हम पर किसी ने गोली चलाई। गोली चला दी? किसने? मैं नहीं जानता कौन था वो। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा लेकिन हाथ से निकल गया। यार बड़ी अजीब बात है, आज सुबह मेरे भी कुछ गुंडों से मारपीट हो गई। मारपीट? हाँ, वो अपनी सोनम मैम है ना, उन्हें कुछ गुंडे छेड़ रहे थे तो उन्हें बचाने के चक्कर में तेरी मारपीट हुई और मुझ पर गोली चली। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मयंक कहाँ है? मैंने भी नहीं देखा उसे आज। मेरी कोई बात नहीं है उससे। फोन लगा उसे। हाँ
अब क्या करें यार, कैसे जाएंगे? यार शिट, क्या यार, इसकी प्रॉब्लम यही है कि कभी फोन नहीं उठाता है। फिर से लग, क्या है यार ये, तू अपने फोन से ट्राई कर। मारना चाहता है। एक थप्पड़ दूंगा मैं तुम्हें। नहीं,
हद होती है बचपने की। अर्जुन ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे गुस्से से उसका डर खत्म हो जाएगा? हाँ? Just calm down, guys. देखो, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। मयंक और रिया के मरने का दुख हमें भी है, पर क्या कर सकते हैं? देखो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। Don't take stress. Just relax, okay? मुझे तो ये जगह ही मनुष्य सी लग रही है। सही कह रही हो तुम। उस दिन भी हॉस्टल में कितना डर गई थी, अभी तक डरी हुई है। हाँ ये सही कह रही, हम कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहिए। पर कहाँ? कहीं भी। हाँ, that's great. अब तुम लोग नई जगह जाओगे, तुम्हारा एनवायरनमेंट बदलेगा, तो तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। तुम लोग अच्छा है ना? क्या आप नहीं चलोगी? अब, मैं नहीं, मेरा कॉलेज है और एडमिनिस्ट्रेटिव का बहुत सारा काम पेंडिंग है। I'm so sorry guys, you carry on. मैं क्या करूंगी जाके? आप चलेंगे तभी मैं जाऊंगी, मुझे सिर्फ आप पे ट्रस्ट है। वर्षा सही कह रही है, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। ओके ओके ओके, I'll think about it. ठीक है, तो हम एक रिजॉर्ट बुक करते हैं। कल सब 12 बजे यहाँ से रिजॉर्ट के लिए निकलेंगे, ठीक है? Yep, okay. Okay, done. जगह जहां हम पहले भी आ चुके हैं। कोई है? एनीबॉडी होम? कोई है? लगता है कोई नहीं, चलो कहीं और चलो। क्यों चलते हैं कहीं और? होगा कोई, अब देखते हैं। अच्छी खासी तो जगह। अरे भाई कोई है? हाँ आया हुजूर, आया। सॉरी सॉरी, मैं किचन में था, मैं रिसोर्ट का केयर टेकर। पर आपके अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा मुझे। नहीं, आजकल हमारा रिसोर्ट का बुकिंग नहीं होता है, इसलिए मैंने सबको छुट्टी दे दिया। अच्छा है ना यार, चलते हैं ना यहाँ से, वैसे भी मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। हाँ यार, लेट्स गो, कहीं और चलते हैं। अरे इतनी रात में यही मौसम में आप लोग कहाँ जाओगे? और इसके आसपास कोई होटल भी तो नहीं है। आप कहो तो मैं कमरे खोल देता हूँ। थैंक यू, एक्चुअली हमारी बुकिंग कहीं और है, हमें सिर्फ रात बितानी है, सुबह हम चले जाएंगे। चलो चलते हैं। अरे भाई काहे घबरा रहे हो? अगर आप लोग यहाँ रुकोगे तो मैं आप लोगों को फुल फैसिलिटीज दूंगा। मेरे स्टाफ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और हाँ, मेरे साथ यहाँ मेरी असिस्टेंट भी है, खाना बहुत अच्छे से बनाती है, आप लोगों को जो जो खाना है वो बना के खिलाएगी। चलो ऐसा करते हैं, मैं किचन ही आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोगों को जो जो चाहिए अपने आप बनाइए और खाइए, ठीक है ना? क्या बोलते हो? हाँ? अरे क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? सुनसान जगह देख के डर लग रहा है? नहीं तो। ओह, या फिर कोई और बात है? हाँ नहीं, और कोई बात नहीं, हम यहाँ पहली बार आए हैं ना। हाँ तो फिर आइए, प्लीज आइए, आइए आइए आइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आपकी कार की चाबी मुझे दे दीजिए, आपका सामान मैं रूम में रखवा दूं। थैंक यू। आइए, ये है आप लोगों का कमरा। आइए
और मैं भी एक थोड़ा सा मार के आता हूँ। चलें, आपके लिए सेपरेट रूम है। अर्जुन, पता नहीं मुझे यहाँ पर ना अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कि मेरा दम घुट रहा हो। मुझे लगता है शायद ये वही जगह है। नहीं, ये वो नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। प्लीज यहाँ से चलो ना, प्लीज। घबराओ नहीं, आज रात की ही बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम ध्यान से देखो, ये वही जगह लगती नहीं है बेबी। वो नहीं है। डोंट वरी। चलो, I'll just go to the washroom. पागल है। Excuse me guys, मैं आ रही हूँ। अरे कोई नहीं बाबा, अरे बात का बिलीव क्यों नहीं करते? अरे बाबा कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है, वहाँ कोई नहीं है। नहीं, मैंने किसी को देखा है यहाँ पे। अरे बाबा कोई नहीं, कोई नहीं, तुम बैठो, आराम से बैठो, तुम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नो वन इज हियर, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स बाबा, कोई नहीं है, तुम आराम से बैठो, कोई नहीं है, तुम बैठो आराम से, मैं अभी आता हूँ। सुल्तान भाई, आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। एक्चुअली वो यहाँ यहाँ कोई यहाँ कोई भूत है क्या? भूत? किधर है भूत? कौन सा भूत? एक्चुअली अंजलि को ऐसा लगा कि उसने किसी को देखा है। कौन अंजलि? अंजलि जो मेरे साथ आई थी, मेरी गर्लफ्रेंड। किधर है वो? हमने उसकी चीख सुनी थी। ओह माय गॉड, देखिए हम लोग इधर 20 साल से रहते हैं, इधर भूत सूत कुछ भी नहीं है भाई। मुझे लग रहा है उसे वहम हुआ है ना। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अरे बाप रे, बाप रे, Yeah.
नहीं आज दिल है मैं
से सांसों में अपने उतर जाने दो। जानना चाहता है ना तू? तो सुन, तुझे क्या लगता है मैं कॉलेज में टीचर बनकर स्टूडेंट को पढ़ाने आई थी? नहीं, मेरा असली मकसद था कि मैं तुम सब तक पहुंच सकूं और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे सकूं। मयंक और रिया का रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने मरवाया था उन्हें सुल्तान के हाथों। चौक मत, अंजलि भी अपनी मौत खुद नहीं मरी थी, मैंने मारा था उसे गला घोट कर। और सुन, जो तेरी प्यारी सी स्वीट सी गर्लफ्रेंड थी ना वर्षा, जिसे तू बहुत प्यार करता था, वो भी खुद नहीं मरी थी, मैंने मारा था उसे, कमरे में दम घोट के मार डाला था मैंने उसे। अरे
तुम्हारा ही हाथ है। दरवाजे की कुंडी मैंने लगाई थी ताकि तुम बाहर ना आ सको, और मैं रवि को सुल्तान के हाथों मौत की नींद सुला सकूं। तुमने एक एक करके सबको मार दिया, यहां तक मुझे भी। क्यों बोलो, जवाब दो मुझे। मैं पूछता हूं क्यों? वो पार्टी वाली रात जिस लड़की को तुमने बड़ी बेरहमी से बड़ी बेदर्दी से मार डाला था, ये सब मेरी मौत की जिम्मेदार है। बोलो उसका नाम क्या है जिसे तुम्हारा रेप करना चाहा है? ये बात आप इसी को बता दो। हमने नहीं मारा था उसे, वो एक हादसा था। हादसा? अपने गुनाहों को हादसे का नाम देते हो? शर्म नहीं आती तुझे? तुम सबने जो गलती की है ना, जो गुनाह किया उसकी माफी नहीं है। मेरी बहन खोई है मैंने, और तू सबसे बड़ा गुनहगार है मेरी नजरों में। तू चाहता तो उसे बचा सकता था, मेरे साथ होती आज वो, पर वो बेबस लाचार लड़की, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तूने भी उसका साथ नहीं दिया। अपने दोस्तों का साथ दिया तूने। मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन उन लड़कियों का क्या गुनाह था उनका? गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था कि वो लड़की होते हुए भी एक लड़की के साथ होते हुए गिलवाड़ को देखती रही, उसने उसकी हेल्प नहीं की। ये गलती थी उसकी। उनको तो उनके गुनाहों की सजा मिल गई, और अब तुम्हारी बारी। Oh.
मुझे